Krishna 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 Hare Hare चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देव्य प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। कहते भक्त लोगों ने प्रभुपाद को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया और प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया है। इसलिए किसी भक्त ने उनको एक प्रश्न करते हैं
हम लोगों का सुविधा बा मंगल कैसे होगा। हम जीवन में सबके सब चाहते ना हमारे जीवन में सुविधा हो, सुख सुविधा हो, जीवन में मंगल हो। अब देखना जीवन में हम जो कुछ करते हैं एक ही काम, हम जो कुछ करते हैं उसमें सुविधा कैसे हो और जीवन में मंगल, इसको सिवाय और कोई काम करते ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जीवन में सुविधा कैसे हो और जीवन में मंगल कैसे हो। अभी प्रभुपाद इसका क्या उत्तर देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं गृह प्रतवा गृहाशक्त हैले भयानक असुविधा, किंतु यदि अनुक्षण कृष्ण रे सेवा करें सही गुरुदेव रे अनुगत्य हो सेवा करिले आमदरे आर कौन असुविधा थाकिबे ना। प्रभुपाद इसको उत्तर देते हैं, जगत में जितनी असुविधा का कारण क्या है, बोले कारण है हम सब के सब गृह व्रत और गृहाशक्त हो गए। गृह व्रत मतलब होता है जिसने अपना जीवन को मान लिया, क्या व्रत मान लिया, स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी संसार ही जीवन का हमारी यही सब कुछ है, और गृह में इसके सिवाय अपना स्त्री पुत्र परिवार संसार के सिवाय जगत में और कुछ है ही नहीं, और सबके सब उसमें आसक्त हो गए। ये आसक्त होने का नाते ये जितने सारे असुविधा है जगत में, जितने सारे दिक्कत यही कारण है, जो भगवान को रख दिया पीछे, अब भगवान को तो पीछे रख करके ये दुनियादारी माया को कर दिया आगे, आगे होने के नाते तो माया है ही है। माया मतलब क्या है, जो जो चीज नहीं उसको वह चीज बोलना ही माया है, जो असत्य है अनित्य है क्षण भंगुर है। इसलिए अगर जीव गृह व्रत और गृह आसक्त को अगर छोड़ दे तो कहते जितने तुम्हारे जीवन का असुविधा सब के सब तुम्हारी दूर हो जाएगी। किंतु जिन्हें अनुक्षण कृष्ण सेवा करें सही गुरुदेव अनुगत्य हो सेवा कर ले हमारे आर कौन असुविधा था ना। अभी प्रश्न है फिर हमको क्या करनी चाहिए, हमें ये करनी चाहिए कहते श्री गुरु जी की है, कहते क्या करनी चाहिए, हर समय हमें गुरुदेव की अनुगत्य भगवत सेवा करना चाहिए। करेंगे तो क्या होगा, जीवन में कोई भी जीवन में असुविधा हमारी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है अभी गुरु कौन है, अभी तो विशेष कर कलयुग में तो बहुत बहुत गुरु है, जिसको स्वयं शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती गुरवह बहव संति शिष्य पितवाहर का, जगत में बहुत गुरु तुमको मिलेंगे जो ये धन संपत्ति को हड़पने वाले हैं ऐसे, लेकिन दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हर को, हे पार्वती जगत में ऐसे सदगुरु दुर्लभ है जो सचमुच से जीव का जो कल्याण चाहता है, जीव का जो मंगल चाहता है, इसका वास्तव रूप में मंगल हो कल्याण हो, ऐसे गुरु जगत में बड़ा दुर्लभ है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें गुरु जी की अनुगत्य में भगवत भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो गुरु कैसे होनी चाहिए, तब कहते हैं वो जो गुरु है उनका हर समय है, उनको जितने सारी क्रियाएं हर समय कैसे भगवान को खुश करें, ठाकुर को हम कैसे प्रसन्न करें, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, कहते ये सदगुरु का ये लक्षण है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद वहां पर भी प्रभुपाद कहते हैं, बोले वहां पर प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले प्रभुपाद कहते हैं हमें तो गुरु जी की अनुसरण करनी चाहिए, गुरु जी का अनुगत करनी चाहिए, लेकिन भैया गुरु जी को तो कुछ गुण भी तो होनी चाहिए, गुरु जी के अंदर तो कुछ गुरु गुण तो होनी चाहिए, तभी तो हम अनुगत तो करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं ना गुरु जी की दो स्वरूप मानते हैं, कहते एक स्वरूप मानते हैं कहते निकुंज जो न रतिकेल सिद्धई जाजाल भी युक्ति रपेक्षणिया तत्रादि दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कहते गुरु जी करते हैं क्या, मेरे निकुंज जो न रतिकेल सिद्धई, जो राधा रानी जो निकुंज में लीला करते हैं उनको लीला में जो एकदम एक्सपर्ट है, उनकी सेवा करने में जो एकदम निपुण है, ये एक गुरु जी की लक्षण है, गुरु जी का काम है।
और एक मानते हैं कि राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रिय जन श्री गुरुदेव है, जो राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रिय जन। दूसरा स्वरूप क्या मानते हैं, कहते नित्यानंद अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म। हम कहते ना हमारे गुरुदेव नित्यानंद अभिन्न नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज। कहते नित्यानंद अभिन्न, ये दो स्वरूप गुरु जी को मानते हैं। चलो प्रभुपाद कहते हैं क्या सारे सब गुरु ऐसे ही, क्या सब गुरु को क्या राधा रानी की मंजरी सखी समझे, सब गुरु को क्या नित्यानंद अभिन्न कलवर समझे, नहीं। बोले किसको, तो प्रभुपाद कहते हैं अगर राधा रानी का आदर्श नित्यानंद प्रभु का आदर्श जिसको अंदर में, बोले क्या आदर्श है, बोले राधा रानी करती है क्या दिन भर, राधा रानी क्या करती है, इसलिए उनका नाम है राधा। राधा मतलब क्या, बोले अनयाराधित नुनम है, जो हर समय कृष्ण की आराधना करती है, कृष्ण सेवा सवेरे से लेकर के रात तक राधा रानी क्या करती है, कृष्ण की पूज्य बनाना, कृष्ण गोचारण के लिए गए उनके लिए प्रसाद बना करके भेजना, कृष्ण वापस आ रहे हैं, दिन भर राधा रानी रसोई बनाती हैं, सखियों का आदेश देती हैं। राधा रानी का शरीर कैसे है, कहते इतने कोमल राधा रानी के शरीर है चंद्र का ताप भी जिनको कष्ट देती है, चंद्र का ताप तो सुशीतलता होता है ना, राधा रानी के शरीर इतने कोमल चंद्र का ताप भी जिनको कष्ट देती, इतने कोमल। लेकिन जब राधा रानी नंद भवन में बैठी करके कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, दस बीस लगा हुआ होता है भाटी चूल्हा, और उसको बीच में राधा रानी बैठती है, ललिता को कहती ललिता कृष्ण आने का समय हो गया, तुम ये सब्जी बनाओ, विशाखे ये लड्डू बनाओ, चित्रा तुम ये सब्जी बनाओ, राधा रानी खुद बैठ करके मनोहर लड्डू बनाती है। लेकिन जब कृष्ण सेवा में उनकी तन्मयता ऐसे है, उनको लगता है जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठे, क्यों, कृष्ण सेवा, सेवा में इतने आविष्टता है, इसलिए राधा रानी दिन भर उनका हर क्रिया देखो, कृष्ण के लिए सज्जा बनाना, कृष्ण के लिए कुंज बनाना, कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना, दिन भर कृष्ण सेवा कुछ है ही नहीं। इसलिए जब गोलोक वृंदावन जाएंगे ना, जब मंजरी सखी बनेंगे, वहां पर सेवा ही करना, और वहां कुछ है ही नहीं, सेवा ही। अगर वहां पर किसको थोड़ी सी एक कोई सेवा मिल जाती है ना, जैसे पुष्प चयन करने की, जीवन धन्यवाद श्याम सुंदर के लिए राधा रानी के लिए पुष्प चाहिए, जिनको एक सेवा मिल जाती है फूल की माला बनानी, कितने भाग्य हमारी हैं, राधा कृष्ण के लिए माला बना रहे, जिसको सब्जी अमणिया, किसको सब्जी, किसको रोसी बनाना, किसको झाड़ू बनाना, झाड़ू देना हैं, वहां पर तो सेवा के लिए तरसते हैं सबके सब, कोई एक छोटी सेवा मिल जाए ना वहां पर, बस जीवन धन्य। लेकिन ये जो स्थान है ना, ये प्राटी से, ये जो घर यहाँ पर जो मंदिर क्या है, ये मंदिर हमारी ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये हमारी ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जितने हम अच्छे ट्रेनिंग करेंगे ना, बस वहाँ पर बढ़िया सेवा मिल जाएगी, राधा रानी की बढ़िया सेवा मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग स्थान है। इसलिए राधा रानी क्या करती है, दिन भर कृष्ण सेवा ही करती है, सेवा के बगैर उनको जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव का लक्षण क्या होनी चाहिए, कहते ना सदा रतजनी विग्रह आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनात युक्त स भक्तांश निजुंजतो भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव क्या करते हैं, कहते खुद तो भगवान की भक्ति भजन सेवा करते हैं, लेकिन उनको अनुगत्य में जो आए व्यक्तियों को कृष्ण सेवा के बगैर, कृष्ण भक्ति के बगैर और कोई चीज सीखा उनको नहीं देते, उनको कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति की सिखा देते। फिर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं, उनको पंच रसों से कृष्ण सेवा करते हैं, हैं, और दस शरीर से कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण के लिए पादुका बन जाते हैं, कृष्ण के लिए कपड़े बन जाते हैं, कृष्ण का अलंकार बन जाते हैं, कृष्ण के लिए जनेऊ बन जाती है, कृष्ण के लिए पादुका बन जाते हैं, कृष्ण के लिए सिंहासन बन जाते हैं, कृष्ण के लिए उनके सुंदर माला बन जाते हैं, कृष्ण के लिए है सारे सेवा, कृष्ण के लिए छत्र आसन व्यंजन सिंहासन सब नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है। दस शरीर और पंच रसों से दिन भर कृष्ण सेवा के बगैर जगत में और उनका कोई काम नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गुरु का लक्षण क्या होनी चाहिए, गुरु का लक्षण ये होनी चाहिए
कृष्ण सेवा के सिवाय जीवन में और हमारे कोई काम नहीं। कृष्ण सेवा ही जीवन का सब कुछ, कृष्ण सेवा ये गुरु गुरुदेव है। कहते अगर ऐसे जो गुरुदेव हैं, कहते ऐसे श्री गुरुदेव का अनुगत्य में कहते सेवा करने से क्या होगा, बोले जगत में जितने असुविधा तुम्हारे जीवन में, जो असुविधा है ना वो सब के सब असुविधा तुम्हारी दूर हो जाएगी, जीवन में कोई असुविधा नहीं रहेगा, कोई भी असुविधा। देखो जो शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं वो चाहते हैं क्या, उनको कोई असुविधा नहीं। कृष्ण सेवा ही जिनका प्राण है, कृष्ण भक्ति ही जिनका प्राण है। और जो भगवान की भक्ति करे, इसलिए भागवत में कहते हैं अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम सात। देखो इसको गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए, इतने चीज अगर जीवन में गांठ बांध कर रख लिया ना, बस मंगल ही मंगल है, हैं? कहते अनायासेन मरणम, कहते जिनको कहते कहते साधु कैसे पहचानेंगे, कहते साधु चिन्हेंगे, कहते भगवान को कैसे पहचानेंगे, बोले भगवान को चरण से और साधु को मरण से, साधु को मरण से और भगवान की चरण से। ठाकुर का चरण से ही पता चल जाएगा जिनके चरण में शंख चक्र गदा पद्म ध्वज वज्र अंकुश, बोले साधु की मरण से, साधु की मृत्यु से ही। बोले अनासेन मरणम, हम चाहते हैं ना अंतिम समय में कोई दुख कष्ट हमारी नहीं हो, अनायास में हमारी मृत्यु हो जाए। अनायास न मरणम बिना दैन्येन जीवनम, मतलब हमारा जीवन सुखमय, सब जाते ना जीवन में सुखमय जाए, जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं हो, जीवन हमारी सुखमय चले जाए। बोले कैसे होगा, बोले अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात, बोले जब तक कि भगवान की चरण की निष्कपट रूप में उनको सेवा भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जीवन अनायास में बीतेगी भी नहीं और तुम्हारी मृत्यु भी अनायास में नहीं होगी। इसलिए केवल भगवान की भक्ति को द्वारा, माधवेंद्रपुरी हमारे जितने गोस्वामी लोगों का, तो 24 घंटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गोस्वामी क्या करते थे, संख्या पूर्वक नाम करते थे, संख्या रह करके इतना राम रोज करना, हमें नाम गान भगवान की भजन करते थे, संतों का उद्देश्य में 1000 रोज दंडवत प्रणाम करते थे, हा राधे ब्रज देवी का जल लेते दिन भर, हे राधा रानी कहाँ हो, हे ब्रज देवी के तुम कहाँ हो, हे ललिता तुम कहाँ हो, कभी राधा कुंड श्याम कुंड में दिन भर विप्रलम रस से दिन भर, उनको यही तो करते थे गोस्वामी लोग। और भगवान स्वयं भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, क्या करते हैं, बोले कौनते हो प्रतिज्ञानी न मैं भक्ता प्रणशत, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते, ठाकुर जी स्वयं प्रतिज्ञा करते, ठाकुर जी स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिन्नी बाल के राके मेहतारी, वही एक उदाहरण देकर कहते हैं जिन्नी बाल के राके मेहतारी, माँ को उन्होंने मेहतारी, मेहतारी मेहतारानी क्या करती है, टाटी पे टाटी साफ करती है ना, जैसे बच्चे का अगर कोई टाटी पे साफ करती है, कौन साफ करती है, माँ ही करती है ना। इसलिए एक माँ की उदाहरण देती है, जैसे एक माँ जैसे अपना बच्चों को लालन पालन करती हैं, हैं? जब तक माँ बच्चों को खाना खिला नहीं देती, माँ खा कभी खा सकती है, माँ बच्चा अगर सो गया दिन भर खेलते कूदते अगर सो गया रात को, लेकिन देखना भैया जब तक अपना बच्चों को खाना नहीं खिला देती है ना, तब तक खुद खाना नहीं खाती। अगर माँ को कोई बोले अरे खा लो ना, क्या हो गया बच्चा खाए नहीं, लेकिन जो सचमुच से माँ कभी खा सकती है, कभी खा सकती है, कभी नहीं खा सकती है। उसी तरह भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि जो भक्त है ना दिन रात उसकी भरसा में पड़ा हुआ है, ठाकुर तुम ही हमारे रक्षा करने वाले, तुम पालन करने वाले, तुम ही हमारे भरण पोषण करने वाले। इसलिए कहते हैं ना भक्त में ठाकुर कीर्तन कहते तो कहते हैं रही व भावे रो भोरे, क्या बांधिया निकट है, इसलिए रही व भावे रो भोरे, कहते हैं ठाकुर जी तुम्हारे पालक बलिया जानी और रही सर्वस तुम्हार चरण सपिया पड़े छी तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना हमारे, हैं
सतत तुम्हारे चरण सतत चिंती को सब समय क्या करूंगा, तुम्हारी चरण की चिंतन करूंगा, कभी अपना खाने पीने का कोई चिंता नहीं करूंगा। क्यों? वो जानते हैं ना, भजन करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, जो भक्ति करता हूँ पालन करने को ही, इसलिए अपना चिंता क्यों करेंगे, खाने पीने का चिंता क्यों करेंगे, वो करेंगे। जैसे बालक क्या करता है, मस्ती में रहता है ना बालक, दिन भर खेलता कूदता, कोई चिंता नहीं, अपने खाने पीने कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि उनको पता है ना मेरी माँ है ना, माँ खिलाने पिलाने वाले माँ है। बच्चा कोई चिंता करता है खाने पीने, मस्त से खेलता है। इसलिए जो भक्त लोग हैं ना, उनको क्या करनी चाहिए, मस्त से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 24 घंटा उनका नाम लो, 24 घंटा उनका कीर्तन करो, 24 घंटा उनकी भक्ति करो, बस खिलाने पिलाने वाले ठाकुर है, वो हमारे जीवन को देखेंगे। हाँ, लेकिन कभी भगवान में नहीं, कभी किसको अंदर में, कभी किसको अंदर में, हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर में तरह तरह का अभिलाष है, तरह तरह का कामना वासना है, हैं, कामना वासना हमारे अंदर में, कमी हमारे अंदर में, कमी ठाकुर जी के अंदर में कुछ भी कमी नहीं, कमी हमारे अंदर में। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं क्या करनी चाहिए, कि तभी जीवन में कोई किसी तरह का असुविधा नहीं रहेगा, पूरा निष्काम होकर के गुरु वैष्णव के अनुगत्य में क्या करना पड़ेगा, 24 घंटा में 24 घंटा उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनकी सेवा, उनकी भक्ति में हमें लगना पड़ेगा, फिर जीवन में कोई भी असुविधा हमारी नहीं रहेगी। फिर कहते भगवत भक्तेर अनुगमन और अनुसरण व्यतीत मंगल अन्य रास्ता नाई। इसलिए ऐसे जो गुरुदेव, जो वैष्णव लोग है, हैं, जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवत स्मरण चिंतन करते हैं, ऐसे जो गुरु वैष्णव है, कहते अगर उनकी हम अनुगमन करते हैं, उनकी हम अनुसरण करते हैं, हैं, कहते अगर उनके अनुसरण हम करते हैं क्या होगा, कहते मंगल अन्य रास्ता ना है, इसको छोड़ करके जीवन में और कोई मंगल का कामना कोई है नहीं, जगत में और कोई मंगल है ही नहीं। इसलिए मूल वस्तु भगवान ने सेवा अपेक्षा भगवत पृष्ठ गुरुदेव सेवा अधिक मंगलजनक। यहाँ पर कहते हैं जितना हमारी भगवत सेवा में जितना हमारी मंगल होएगा, कहते लेकिन उससे ज्यादा मंगल किस में होएगा, कहते तद अपेक्षा भगवत पृष्ठ गुरुदेव सेवा अधिक मंगलम, कहते उनसे भी श्रेष्ठ है जो भगवत पृष्ठ, जो भगवत भगवान की अत्यंत प्रिय श्री जो गुरुपाद पद्म है, उनका सेवा अधिक हमारी कल्याणदायी। इसलिए भगवान कहते हैं जे मैं पार्थ जना पार्थ स्ते ना मैं भक्ता स्ते जना। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहे तो वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो कहते हैं मैं भक्तों का भक्त हूँ, भगवान कहे तो मेरा असली भक्त है, वो मेरे असली भक्त ही, मेरे भक्तों का जो भक्त कहता है। इसलिए गुरु सेवा द्वारा ही अमादर अधिक दर सुविधा है। वे यहाँ पर कह रहे हैं जब ऐसे जो गुरुपाद पद्म, जो भगवान की प्रिय भक्त, उनकी सेवा से क्या होगा, जीवन में जो सुविधा हम चाहते हैं, जीवन में हमारे सुविधा हो, उनको सेवा द्वारा ही हमारी ज्यादा सुविधा होगा। किसके सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा के द्वारा। गुरु सेवा कर ले पतित जीव उद्धार है, कहते गुरु जी की सेवा करने से जो पतित जीव है उनकी उद्धार होता है। जरा वास्तविक मंगल चान तारा अवश्य ही सादरे गुरु वैष्णव सेवा करीवे। प्रभुपाद कहते हैं जो लोग वास्तव रूप में अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनको क्या करने चाहिए, निश्चित रूप में सादरे गुरु वैष्णव सेवा उनको करना पड़ेगा। गुरु वैष्णव सेवा के द्वारा ही भगवान ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा होते हैं। कहते गुरु वैष्णव सेवा की गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यक्तारित करना। हाँ, देखो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बताए भैया गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर कहते भाई गुरु वैष्णव सेवा की मतलब गुरु वैष्णव का सेवा क्या है, क्या गुरुदेव के दिन भर के लिए मेरा शरीर में तेल लगाओ और मेरा मालिश करो, और गुरुदेव क्या दिन भर कहते मेरा ही पास में रहो और कुछ मत क्या करो, क्या गुरु जी यही कहते हैं, नहीं, गुरु जी ये नहीं कहते हैं।
कहते गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यतीत आर किछु करे ना। वो लोग क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा को छोड़ करके ना वो और कोई काम वो नहीं करते, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी भगवत सेवा में लगाते हैं। हैं कोई भी चीज आते हैं क्या चाहते हैं, ये चीज कैसे ठाकुर को सेवा में लगी है, ये चीज कैसे वैष्णव की सेवा में लगी। गुरु वैष्णव सेवार अर्थ ताहा दिग के भगवत सेवाए सहायता करा साधु गुरु आज्ञा निर्विचारे सानंदे पालन करा। यहाँ पर कहते हैं गुरु वैष्णव के सेवा का मतलब क्या होता है, गुरु वैष्णव के सेवा का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है उन लोगों को भगवत सेवाए सहाय करना। इसका मतलब है कैसे एक जीव का कल्याण कैसे होगा, मंगल कैसे होगा, जब वो भगवान का भजन करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान की कीर्तन करेगा, तभी तो उसको मंगल होगा ना। अगर जो कहते हैं जैसे हमारे मथुरा में ना जय गुरुदेव है और कुछ भी ऐसे संप्रदाय भगवान भगवान कुछ नहीं, मंदिर में देखो तो खाली पड़ा हुआ और गुरुदेव का फोटो लगा दिया, ठाकुर जहाँ ठाकुर को लगनी जाए ठाकुर का नहीं, वहां पर गुरु जी की फोटो वहीं पर गुरु जी की फोटो जय गुरुदेव बस और कुछ नहीं, इनके और कुछ नहीं जय गुरुदेव केवल गुरुदेव गुरुदेव है। हाँ कहते ये जितने सबके सब ये गुरु भोगी है सबके सब और ये सब कृष्ण भोगी है, अपने आप को भगवान मान करके है जिसको द्वारा जीव का कल्याण होगा वो जीव की कल्याण ये नहीं चाहते। अभी बंगाल हम गए थे वहां पर भी ऐसे ही है, हम वहां पर घर में गए ढोल बज रहा था, हम किसी भक्तों के घर में गए मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, जाकर देखा जो सिंहासन में ना ठाकुर भाकुर कुछ नहीं है, वो गुरु जी का पटल लगा दिया और गुरु जी का पटल लगा कर गुरु जी का पूजा आरती और जिस गुरु जी कोई भजन भजन है जिसका कोई मतलब नहीं, गुरु जी का पटल लगा हुआ। कहते नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये गुरुदेव करते हैं क्या है गुरुदेव, हाँ कहते गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव कृष्ण सेवा विस्तार के छुकर ना गुरु वैष्णव सेवा रहते ताहा दिग के भगवत सेवा सहाय करा। गुरुदेव क्या करते हैं, उनको भगवत सेवा में मदद करते हैं। गुरुदेव जानते हैं इसका जो वास्तव कल्याण है जब भगवान की सेवा में ही जब ये जीव लगेगा तभी इसका वास्तव कल्याण है, इसलिए गुरुदेव हर समय चाहेंगे कैसे ये जीव भगवान की सेवा में लगे। इसलिए गुरुदेव हमें क्या दे मलाई दिया ना, गुरुदेव तो हमको मलाई दिया ना, गुरुदेव क्या दे मलाई दिया। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्संग होता है, आपको पता होगा लाख लाख लोग जाते हैं सत्संग है, कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, तिलक माला कट्टी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सत्संग उनका क्या सत्संग है वहां पर है, बस गुरु जी का फटो लगा हुआ, गुरु जी सब कुछ पता नहीं एक मनमानी ढंग से एक मंत्र उनको दे दिया है अपना मनमानी ढंग से। अभी जो हम लोग ने यहाँ पर कथा किया था ना, कौन सा काम था, स्वर्ग स्वर्ग का, हाँ स्वर्ग का, वहां पर भी ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग उसी में जुड़े, भगवान भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, ठाकुर का सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं, उनका क्या लगता है गुरु करनी चाहिए जीवन में, गुरु के बगैर कल्याण नहीं, बस ऐसे गुरु करो जिससे प्याज लहसुन का कोई पाबंद नहीं हो, चाय पान बीड़ी का कोई पाबंद नहीं हो और गुटखा और जो हुक्के में कोई पाबंद नहीं हो, सबको जो खा सकते हैं और क्या कर सकते हैं भगवान के भजन करेंगे। गुरु तो किया हमने ना, हम तो गुरु तो किया, गुरुदेव हमने किया, लोग एकदम अपना सुविधा चाहते हैं लेकिन भगवान की सेवा से कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते गुरुदेव क्या करते हैं, कहते कृष्ण सेवा व्यतीत तो अन्य कुछ करें ना, कृष्ण की सेवा को छोड़ करके और कोई काम गुरु जी का नहीं, कृष्ण सेवा ही जिनकी जीवन का मूल है। गुरु वैष्णव सेवा अर्थ ताहा दिग के भगवत सेवा सहाय करा, साधु गुरु आज्ञा निर्विचारे सानंद पालन करा। इसलिए भगवत सेवा में और क्या करना, और ऐसे जो साधु गुरु वैष्णव उनका जो आज्ञा है निर्विचार में वो आज्ञा को पालन करनी चाहिए। ऐ जने सर्वावस्थाए गुरुवानुगत प्रयोजन, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं हर स्थान में हमें गुरु जी की अनुगत्य ही हर जगह में हमारी प्रयोजन है, इसलिए जीवन में जो भी हम कुछ करें पहले गुरु जी के आदेश को पहले हमें ले करके सारे काम को हमें
करनी चाहिए। गुरुबाग अनुगत बगर कहते ना वैष्णव आवेदने कृष्ण दयामय एह न पामर प्रति हवे न सदय। इसलिए जब हम गुरु वैष्णव का होकर करते हैं फिर क्या होगा, गुरुदेव हमारी होकर के वैष्णव लोग हमारे होकर के ठाकुर को प्रार्थना करते, ठाकुर जी ये जीव को आप कृपा करो, ये जीव के ऊपर में करुणा करो। फिर क्या होता है, जब गुरु वैष्णव प्रार्थना करते हैं भगवान जल्दी जल्दी प्रार्थना को श्रवण करते हैं। इसलिए हम जीवन में जो कुछ करें पहले गुरु जी को पूछ करके ही जीवन में हमें कुछ करनी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता रूप में हमें कुछ नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते गुरु वैष्णव गुरु सेवा यही जने सर्वावस्था प्रयोजन गुरुवानुगत बाद दिया निजे निजे कृष्ण सेवा करिवार दाम्भिकता कर ले असुविधा है। जब हम गुरु जी के अनुगत्य को छोड़ करके हम स्वयं कृष्ण सेवा करने के लिए प्रचेष्टा करते हैं कहते जीविका उसमें मंगल नहीं होता। इसलिए गुरु के अस्वीकार व अवज्ञा कर ले जीवर कल्याण नहीं होता है, जीव की सर्वनाश होता है। हमें हरि सेवा करी एटा केवल दाम्भिकता, दाम्भिकता ही पतन प्रथम कारण और प्रधान कारण। अगर कोई गुरु वैष्णव के अनुगत छोड़ करके कहते हैं हम अपने आप करेंगे सब कुछ, हैं गुरु वैष्णव का कोई जरूरत नहीं, हम तो जो करेंगे खुद करेंगे अपने आप करेंगे, कहते नहीं, कहते यही से दाम्भिकता करने से जीव का पतन होता है, जीव का कल्याण नहीं होता। गुरु वैष्णव कहते गुरु वैष्णव दर छिद्र दिखिले सर्वनाश अनिवार्य। इसलिए कहते गुरु वैष्णव का छिद्र नहीं देखनी चाहिए, छिद्र समझते उनको दोष नहीं देखनी चाहिए। ऐसे सचमुच से जो गुरु वैष्णव जो भजन परायण है उनका छिद्र नहीं देखनी चाहिए। देखने से क्या होता है, निश्चित रूप में उसके जीवन में सर्वनाश होता है। गुरु सेवा व्यतीत जीव किचुत ही सुविधा व मंगल है वे ना। इसलिए गुरु सेवा के बगैर जीविका किसी तरह से उसका सुविधा व मंगल कभी हो ही नहीं सकता। निज सुखर जन्य व्यस्त है अमंगल है। कभी कभी हम चाहते हैं ना हम अपना सुख के लिए करेंगे, गुरु जी के सुख के लिए नहीं, पर ठाकुर जी का सुख के लिए नहीं, अपना सुख के लिए हम करेंगे, कहते नहीं अपना सुख के लिए करने से कभी भी जीव का मंगल नहीं हो सकता है। हम देखने चाहिए ठाकुर का सुख इसमें हो, गुरु वैष्णव का सुख इसमें हो, उसी के लिए हमें प्रचेष्टा करनी चाहिए। एकांतिक ना हो ले कृष्ण सेवा है ना। अगर जब तक हम लोग एकांतिक नहीं होते हैं ना, एकनिष्ठ नहीं होते हैं, तब तक कृष्ण सेवा नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु सेवा ना कर ले एकांतिकता हुआ जाए ना। जब तक हम गुरु जी की सेवा नहीं करते हैं कहते एकांतिक तब तक हम नहीं बन सकते हैं। गुरु वैष्णव सेवा व्यतीत मायाबद्ध जीवेर परित्राण लाभेर अन्य कोनो उपाय नहीं। जब तक हम गुरु वैष्णव की सेवा को नहीं करते हैं जो माया में जो बद्ध जीव है कभी इनके परित्राण संसार से हो ही नहीं सकता। संसार में हम क्यों भ्रमण कर रहे हैं, 14 ब्रह्मांड 84 लख जन्म में क्यों भ्रमण कर रहे, कारण क्या, कारण है हमने भगवान की सेवा को छोड़ दिया। गुरु वैष्णव का अनुगत्य को हमें छोड़ करके हम स्वतंत्र रूप में माया भोग करने के लिए चाह संसार की बोले देख लो, संसार जाओगे ना देख कर देख लो क्या मजा देख लो, इसलिए मजा क्या देख लो, इसलिए क्या फिर संसार में आकर के कभी सुखी कभी दुखी कभी राजा कभी प्रजा कभी स्वर्ग कभी नरक में ऐसे ही हम भटक रहे हैं संसार में। इसलिए यहाँ पर कह रहे और एक प्रश्न है कहते हम लोगों का भगवत अनुभूति हो छे ना के न, कहते हम लोग भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमें भगवत अनुभूति नहीं हो रही, भगवत अनुभूति हमें नहीं हो रही। भगवान भजन कर रहे हरि नाम कर रहे सेवा कर रहे लेकिन हमें भगवत अनुभूति हो ही नहीं रहेगी। किसने प्रश्न किया, तो प्रभुपाद कहते हैं भगवत सेवक जीव भगवान और भक्तर संग वो सेवा अनुकरण ना कर ले कि करी भगवत अनुभूति हवे है। भगवत अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है, कमी किसके है,
कभी भगवान में ना कभी हमारी अंदर में। तो प्रभुपाद कहते हैं, कहते तभी भगवत अनुभूति होगा। भगवत सेवक जीव भगवान वो भक्त संग वो सेवा अनुकरण ना कर ले कि करी भगवत अनुभूति है वे। तभी जीवन में भगवत अनुभूति होगा जब जीवन में शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे। और अनुक्षण क्या करेंगे? अनुक्षण कृष्ण भक्त का संग, कृष्ण सेवा करना पड़ेगा, तभी तो जीवन में अनुभूति होगा ना। लेकिन हमारी अनुभूति कैसे? जैसे कुछ समय के लिए थोड़ा माला किया, माला करते समय भी मन भी इधर उधर भटकता रहा, एक घंटा मान किया, दो घंटा किया, देखेंगे विचार कर देखेंगे पाँच दस मिनट ही भगवत स्मरण नहीं। माला करते समय भी मन कहाँ कहाँ मन भटकता रहा, और दूसरे समय भी कर रहे ही भगवत सेवा भजन, लेकिन उसमें भी मन कहीं मन भटकता रहता है। ऐसे सेवा के द्वारा भगवत अनुभूति नहीं होता है। इसलिए विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने जब उन्होंने जो क्रम बताया, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति, वहाँ पर जो उन्होंने लक्षण जो बताया है, उनको जो लक्षण बताए वो लक्षण में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा है, वो लक्षण में हमें प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, उसी लक्षण में तभी जाकर भगवत अनुभूति होगी। इसलिए उसमें बताया ना एक देश वर्तीन बहु देश वर्तीन प्राय की जो आत्यंतिक वा जो स्टेजेस बताया है, अनर्थ कितने परिमाण से अनर्थ हमारी खत्म हो रहे हैं, कितने परिमाण में भगवत अनुभूति हो रहे हैं, कितने परिमाण में भगवत अनुभूति हो रहे हैं। इसलिए भगवत अनुभूति तभी होगी जितने परिमाण में जथा जथात्मा परिमृजत असौ तद पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी है। उदाहरण देते हैं जथा जथात्मा परि, जैसे आंखों में काजल लगाने पर क्या होता है, आंखों की बैला खत्म होती है, आंखों की तेज बढ़ती है। कहते जथा जथात्मा परिमृजत असौ तत् पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, जितने परिमाण से हम भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करेंगे उसी परिमाण से ये अनर्थ दूर होते जाएगा, ये अनर्थ हमारी दूर होते जाएगा है। इसलिए एक जो सच्चा साधक है उनको कोशिश करनी चाहिए है, कोशिश क्या करनी चाहिए, 24 घंटा में कितने समय भगवत अनुभूति भगवत स्मरण भगवत चिंतन हमारा हुई, कितना समय हमारी माया के विषय में गया है। जब कोई साधक सचमुच से उस चेष्टा करे साधन करने के लिए तभी तो होगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अनुक्षण क्या करना पड़ेगा, हर समय भक्तों का संग और भगवत सेवा हमें अनुक्षण करना पड़ेगा है, अनुक्षण करना पड़ेगा। जब अनुक्षण करना पड़ेगा फिर धीरे 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 क्या होगा, उतना परिमाण में अनर्थ नष्ट होते जाएगा और उतना परिमाण में भगवत अनुभूति हमारी होती रहेगी। इसलिए साधन भजन हमें सही सही रूप में हमें साधन भजन करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा सांसारिक की बात जागतिक व्यापार नहीं व्यस्त था के लिए जगदीश्वर ने साड़ा की करी पावो। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं जब हम लोग ये सांसारिक की जागतिक की विषय को लेकर के अगर हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, अगर वो चीज में अगर हम व्यस्त हो जाते हैं फिर ठाकुर जी हमारा साड़ा मतलब हमारी फुकार ठाकुर जी कैसे सुनेंगे, हमारी फुकार कैसे सुनेंगे। इसलिए पता ना भक्ति तीन तरह का है, कहते आरोप सिद्धा भक्ति संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति, तीन तरह का भक्ति भक्ति का स्टेज है। इसलिए हमें ये स्वरूप सिद्धा भक्ति करना पड़ेगा, ये हमें ये स्वरूप सिद्धा भक्ति करना पड़ेगा जो डायरेक्ट जो भक्ति है, है? अक्सर करके हम लोगों का कभी कभी क्या हो जाए संग सिद्धा और आरोप सिद्धा भक्ति हो जाता है, जो स्वरूप सिद्धा भक्ति होता ही नहीं करके है। जैसे हमने खेती बनाए, खेती बना कर सोचते हैं खेती करके जब उसमें साग सब्जी होएगा ना तब ये साग सब्जी को क्या करेंगे, फिर जाकर ठाकुर को सेवा में लगेगा, फिर वैष्णव सेवा लगेगा। लेकिन एनर्जी कहाँ चली गई हमारी, खेती करने में पानी देने में खेती लगाने में, चिंतन कहाँ वहाँ चली, फिर वहाँ से जाकर के जब आएगा जब ठाकुर को सेवा में लगेगा जाकर कहीं जाकर के भक्ति में कहीं लगे। इसलिए हमें स्वरूप सिद्धा भक्ति करनी चाहिए जो डायरेक्ट भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण डायरेक्ट जो भक्ति वो भक्ति हमें करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जब हम साधारण विषय को लेकर के उसी में ही व्यस्त हो जाते हैं
फिर तो हमारी पुकार ठाकुर जी कैसे सुनेंगे पुकार, हमारी पुकार ठाकुर जी सुनेंगे कैसे। इसलिए वर्तमाने दुष्ट आसार बसवर्ती हुए हमारे एमन एक दुर्बुद्धि हो गए जे यही जगतेर संगे हमारे भारी काज पड़ गए छे। बुझते पार छो क्या प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? वर्तमान दुष्ट आसार बसवर्ती होए, कहते अभी हम लोग संसार में दुख कष्ट कारण क्या है? कारण है कृष्ण भुली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार आदि। जितने संसार दुख का कारण क्या है? हमने भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान को हमने भूल गए हैं, भगवान को भूल गए, इसलिए जितने दुख कष्ट का मूल कारण है जितने सारे। लेकिन प्रभुपाद कहते वर्तमान दुष्ट आशा बसवर्ती हो, दुष्ट आशा की बसवर्ती होकर की, दुष्ट आशा क्या है? भगवान की सेवा के बगैर, भगवान की भक्ति के बगैर और जितने इच्छाएं हैं ये सब के सब दुष्ट इच्छाएं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अन्नावृतम, ये जितने तरह का भगवान की सेवा भक्ति छोड़ करके जितने हमारी इच्छाएं हैं ये सारी इच्छा दुष्ट इच्छा है, सब के सब ये दुष्ट इच्छा। हमें जो असली जो इच्छा है असली जो इच्छा क्या? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, उनके नाम यही करनी चाहिए, ये तो सही इच्छा है ना। लेकिन अभी हम दुष्ट इच्छा के उनकी सेवा भक्ति छोड़ करके दूसरे दूसरी इच्छा भी क्या होगी उसी में कद दुष्ट आसार बसवर्ती हुए हमारे एमन एक दुर्बुद्धि हुए छे। हमारी एक दुर्बुद्धि ऐसे एक दुष्ट बुद्धि आ गया है ये जगत रे संगे हमारे भारी काज पड़ी गए, ये जगत रे हमारे भारी काज पड़ी गए। मतलब है भैया तुम है कौन? तुम तो भगवान की नित्य दास है ना, तो भगवान की संतान है ना, तुम्हारे कर्तव्य तो उनकी सेवा भक्ति पूजा छोड़कर तो कोई काम है ही नहीं। लेकिन जो असली काम को हमने छोड़ दिया और नकली काम को पीछे पकड़ लिया, नकली काम को पीछे पकड़ लिए, ये जगत रे हमारे भारी काज पड़ी गए छे। जो तुम्हारी एकदम काम है ही नहीं, तुम्हारे जो कर्तव्य एकदम है ही नहीं उसको मान दिया तो कर्तव्य, और जो कर्तव्य है तुम्हारी उसको मान दिया ये हमारी अभी कर्तव्य नहीं। इसलिए जितने दुख कष्ट का जड़ यही पर है, सारे दुख कष्ट का जड़ है, दुख कष्ट का जड़ यही। अगर एक एक चीज अगर हम जीवन में कर ले सारे दुख कष्ट खत्म, बस भगवान के पास में जाओ, उनकी सेवानंद, उनकी भक्ति आनंद का आस्वादन करो। लेकिन ये जगत का वस्तुओं को संग्रह करते 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 जीवन खत्म खत्म, जब जो खत्म जो काम के लिए आए आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, आए थे तो भजन कर लिए लेकिन वो भजन में तो किया नहीं, उल्टा काम में लग पड़े। कृष्ण भजिवार तरे संसार आईनो मिच्छ माया बद्ध या वृक्ष समायनो, आए थे तो कृष्ण भजन के लिए, वो कृष्ण भजन तो पीछे कर दिया और जो करने के लिए नहीं आए तो उसमें लग पड़े। तो जितने असुविधा जितने दुख कष्ट का जड़ यही है। अगर वो चीज हो गया ना जीव का कल्याण, बोले भगवत सेवा अपेक्षा भक्त सेवा अधिक मंगलप्रद, कहते भगवान की सेवा से ज्यादा कल्याण किस में है? कहते भक्तों का सेवा से भगवत संघ अपेक्षा भक्त संघ द्वारा जीवन बेसी उपकार है। कहते भगवत संघ से भक्त संघ से हमारे ज्यादा कल्याण होता है। क्यों? कहते भगवान तो हमसे कोई बात नहीं करेंगे, भगवान तो बोलेंगे नहीं भैया ये गलत रास्ता पर क्यों जा रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये गलत है, कौन बोलेगा? भक्त तो बोलेंगे ना, भगवान तो ये बात हमें नहीं बोलेंगे, ये भक्त ही हमें बोलेंगे, भक्त ही हमें सावधान करेंगे। इसलिए किसी शास्त्र में नहीं बताया भगवान के संग कर, कोई बताया? कहते बिनु सत संग विवेक ना हुई, सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ हैं मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्य। कहते प्रभु हमारी प्रीति किसको साथ में हो? बोले भक्तों का साथ में हमारी प्रीति हो, भक्त का साथ में प्रीति हो, दूसरे के साथ में प्रीति नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। भक्तों के साथ में प्रीति होगा तो क्या होगा? उनको साथ में उठेंगे बैठेंगे तो वो हमें सावधान करते रहेंगे, भजन में हमें लगाते रहेंगे। इसलिए कहते हैं किसके संघ को द्वारा कल्याण होगा? भक्त संघ से ही जीव का कल्याण है। बस भगवान रे स्थान अपेक्षा भक्त रे स्थान अर्थात गुरु गृह शुद्ध भक्त जनेर अधिकतर अनुकूल। यहाँ पर कहते हैं
कहते भगवान का जो स्थान है, हैं, जो ठाकुर जी का जो स्थान है अपेक्षा भक्तों का जो स्थान है ये ज्यादा कल्याणदायी है, कल्याणदायी। जैसे जब हमारे गुरुदेव थे ना भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जब वो जाते थे प्रचार करने के लिए विदेश, सब भक्त उनको पीछे पीछे चले जाते थे, लेकिन रहने वाले थे वृंदावन में, वृंदावन वास कर रहे थे, लेकिन वृंदावन में वास करते हुए जब गुरुदेव जाते थे उनको साथ साथ चले जाते थे। क्यों? शास्त्र में बताया तो वृंदावन वास करनी चाहिए, वृंदावन वास करनी चाहिए। तो वृंदावन जब जाते हैं गुरुदेव छोड़े सब उसको पीछे क्यों चले जाते? क्योंकि ठाकुर हमसे कोई बोलेंगे नहीं, ठाकुर हमसे कोई बातें नहीं करेंगे, ठाकुर भजने की उपदेश नहीं देंगे। इसलिए हम प्रभुपाद का जो गण को हमने देखा है, प्रभुपाद का जो गण है जितने हैं अक्सर करके, जैसे मेरे गुरुदेव वृंदावन में, जो वृंदावन तो मठ था नहीं, जैसे पुरी में रथ यात्रा का समय पर केवल आते थे, और नवद्वीप में केवल वहाँ परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा के समय पर कार्तिक महीने में जाते थे और नहीं जाते थे। लेकिन जो 10 महीना रहते थे कलकत्ता, 10 महीना कलकत्ता में रहते थे, बोले कलकत्ता में भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का मठ भी देखो, गुरुवर्गों ने अक्सर करके जो शिक्षा दिया, जहाँ पर महाप्रभु का सेवा हो, महाप्रभु का प्रचार हो, महाप्रभु की कथा हो, हरि कथा हो, गुरुवर्ग वहीं पर ज्यादा रहे, वहीं पर ज्यादा श्रोता मिलते थे, वहीं पर महाप्रभु का प्रचार होता था, वहीं पर महाप्रभु की साधन, इसलिए उन्होंने ज्यादा महत्व, उन्होंने धाम वास के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया, ज्यादा महत्व दिया साधु संघ, हरि कथा, कीर्तन और महाप्रभु का प्रचार जहाँ पर हो वो चीज को ज्यादा गुरुवर्गों ने ज्यादा महत्व दिया है, हैं, ज्यादा महत्व दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के स्थान अपेक्षा जो भक्तों का जो स्थान है ज्यादा हमारी कल्याण है, क्योंकि भक्तों के साथ में रहेंगे, हरि कथा होगा, कीर्तन होगा, भगवत भजन होगा, हैं, भजन होगा। इसलिए भक्त अर्थात गुरु गृह शुद्ध भक्त जनेर अधिकतर अनुकूल, जहां पर गुरु वैष्णव रहते हैं वो जो स्थान है अधिक तरह का, जो शुद्ध भक्तों का अधिक स्तर जो भक्ति के अनुकूल वो स्थान, जथाए वैष्णव स्थान, जथाए वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? बोले जथाए वैष्णव गण वही स्थान है वृंदावन। वृंदावन में देखो अब बांके बिहारी मंदिर में घुसो तरह भीड़ में घूम कर का पटे पकड़ खाली पकड़ खाली, तुम्हारा मोबाइल पैसा खाली पकड़, ये सब वृंदावन वास कर रहे, गुंडा गिरती वहां पर उल्टा पुल्टा, जब पंडे का काम भी करते वो भी उल्टा पुल्टा काम करते करने वाले हैं, कोई कोई तो शराब पी लेते हैं, कोई कोई गंजा फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, सब धामवासी सब ब्रजवासी सबके सब, ये सब ब्रजवासी सबके सब। इसलिए हैं, इसलिए कार्तिक महीना में हमारे कुछ भक्त लोग आए थे अभी पिछली बार, वो थोड़ी सी लेट हो गया तो अंग्रेजी लोग आते थे रास्ता में, सब रुपया पैसा जो छीन छान कर लेंगे सब। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर भक्तों का संग नहीं हो, लेकिन विदेश में देखो वहां कहाँ से इतना श्रद्धा लेकर के लंदन फ्रांस रशिया से तिलक गला में कंठी धारण करते हुए आ रहे, कहाँ भगवान का नाम कर रहे, भजन कर रहे, लेकिन धाम में रहते हुए भी उल्टा पुल्टा सारे काम करते हैं, इसलिए वो धाम थोड़ी वास कर रहे, वो धाम वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जथाए वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? जहां पर वैष्णव लोग, जहां पर हर समय हरि सेवा, हरि कथा, हरि कीर्तन है, हैं, जहां पर हर समय प्रभु का भजन कीर्तन कीर्तन हो, वही स्थान ही असली वृंदावन है। ये सब कथा उली भालोकरा बुझा दरकार, प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब चीज को अच्छे तरह से हमें समझनी चाहिए। ता ना करे अमरा यदि गुरु सेवाए उदासीनी है, ता हईले सेवक हेते पर लाभ ना। अगर ये नहीं करके अगर हम लोग गुरु सेवा में उदासीनी होते हैं फिर तो सेवक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अहंकारी गले गे अहंकारी है गिलाम बहिर जगत र चिंता स्रोत ही अवध था गिलाम। प्रभुपाद कहते हैं अगर फिर हम क्या बन जाएंगे? अहंकारी बन जाएंगे, फिर बहरी जगत का चिंता स्रोत ही अवध अकलम, फिर क्या होगा? बहरी जगत का चिंता स्रोत में ही हम बध जाएंगे, भगवत भक्ति जगत में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए राधा गोविंद रे पाद पद्म रे सेवार कथा व्यतीत आर बड़ो कथा नाई,
जगत में सबसे बड़ा कथा क्या है? कृत भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, यही सबसे बड़ा कथा है। इसलिए उनकी कथा को छोड़कर के जगत में और कोई चीज श्रेष्ठ नहीं। सुतराम, अध्यक्ष सज सेवा वंचित तो हो जाते, अध्यक्ष सजित तो है नाप, अध्यक्षित तो है नापड़ी तार जन्य सर्वक्षण हरि कथा श्रवण करा दरकार। इसलिए कहते सुतराम, अध्यक्ष सज सेवा वंचित तो है, हमें को किसकी सेवा करनी चाहिए? अध्यक्ष सज। अध्यक्ष सज कौन है? जो माया से जो अतीत है, भगवान है, भगवान की सेवा, जो हमारी जड़ इंद्रिय से जो अतीत जो भगवान है, कहते उनकी सेवा वंचित हो जा रहे, अध्यक्ष जो है ना पड़ी, मतलब ये माया में बसीभूत नहीं हो जाए तो जन। इसलिए क्या करनी चाहिए? हर समय हरि कथा श्रवण करा दरकार। जो भगवान की जो कथा है ना, यही कथा ही हमें भजन के में ले जाएगी और कोई हमें भक्ति में नहीं ले जाएंगे। अगर जहाँ पर हरि कथा नहीं होगी, कीर्तन नहीं होगी, हरि चर्चा हरि कथा नहीं होगी ना, फिर तो और कोई चर्चा वहां पर होगी। हरि चर्चा नहीं होगा तो फिर माया की चर्चा होगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, मठ मतलब क्या है? पठन्ति वसन्ति यत्र छात्रा, उसको ही मठ कहते हैं, जहाँ पर हर समय हरि कथा कोलाहल पूर्ण संसार ही मंदिर, जहाँ पर हर समय हरि की सेवा, हरि की कथा, हरि की कीर्तन, हर समय जहाँ पर भगवान की कथा लग रहे हैं ना, पास वही असली मंदिर है। इसका सिवाय और मंदिर अगर हरि कीर्तन हरि कथा में नहीं बैठेगा ना, क्या होगा? धीरे धीरे जो मन है, धीरे 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 माया में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब बारम्बार वो हरि कथा सुनते हैं ना, जैसे मन का काम दुष्ट, मन का काम हर समय नीचे जाना चाहते हैं, मन कभी ऊंचा जाना नहीं चाहता, अब तो ना मन हर समय गति। लेकिन जब हम हरि कथा सुनते हैं ना, फिर मन को बारंबार आघात लगता है, नहीं अगर अगर कभी गलत रास्ता में जाने की इच्छा कर रहे, लेकिन अगर हरि कथा सुनेंगे, नहीं हम गलत का रास्ता पर जा रहे हैं, सही रास्ता पर नहीं जा रहे, मन को डंडा जैसे लगता है, मन को डंडा। इसलिए बोले संत एवास चिंतन थी मन प्यास संगमती भी। इसलिए साधुओं का कथा कैसे बोले खड़ग जैसे तलवार, जैसे तलवार जैसे काट देते हैं, उस तरह साधु क्या करते हैं? अगर हमारी मन कभी गंदी चीज में जाना चाहते हैं, उल्टा पुल्टा चीज में, जब हम हरी कथा सुनते ना, जागरण नहीं नहीं, गलत काम नहीं करना, हमें सही रास्ता पर जाना। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए? हरी कथा श्रवण कीर्तन करा दरकार, हरि भजन प्रति हमारे तीव्र दृष्टि रखा आवश्यक। इसलिए क्या करनी चाहिए? हमें तीव्र दृष्टि हमारे किसको तरफ पर रहे? दुनियादारी वस्तु में तीव्र दृष्टि नहीं रहे, हैं? दुनियादारी वस्तु में हमारी तीव्र दृष्टि नहीं रहे, किसको प्रति होनी चाहिए? कहते हैं हमारे प्रति, हैं? कहते तीव्र दृष्टि रखा हरि भजन रे प्रति। हम जिस वजह से घर बार सब छोड़ करके, पिता माता भाई बंधु सब छोड़ करके किसी लिए आए? भजन के लिए, और तो कोई काम के लिए नहीं आए ना, भजन के लिए। इसलिए हमारी तीव्र दृष्टि किसके प्रति रहनी चाहिए? भगवान की कीर्तन कथा उनकी सेवा के प्रति हमारी तीव्र दृष्टि उधर रखनी चाहिए। कारण अनेक जन्म कटे गए छे, अन्य अन्य कार्य यही जन्म ही जाते सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन लाभ है। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले देखो इसलिए हमारी भजन का प्रति तीव्र दृष्टि क्यों रखनी चाहिए, कारण क्या? बोले कारण है, कारण अनेक जन्म कटे गए छे, अन्य अन्य कार्य ये मानव शरीर मिलने से पहले और जितने जीवन हमारी गया है, जब दूसरे जीवन में सब करोड़ों करोड़ जीवन बीत गया है, करोड़ों करोड़ जीवन हमारे माया में चली गए है। इसलिए हमारे त्रिविक्रम महाराज कहते थे, ये जो माया की संसार तुम्हारे लिए रिजर्व और क्या है, क्या करते करते आए, खाए पिए बच्चे जन्म दिए मर गए, दो चार पैसा कमाए मर गए, इससे सिवाय तो जीवन में और कुछ नहीं किया ना, गधे कुत्ते सुअर जीवन में जिसमें यही जीवन तक किया, लिखाई पढ़ाई किया, शादी शुदा कर दिया, तो चाहे बच्चे हो गए बड़े कर दिए, उनको शादी शुदा करके मर गए, इसके सिवा जीवन में क्या क्या होता इसी जीवन में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसके जीवन में जो जीवन तुम्हारी बीता है ना, तुम्हारी जो जीवन बीता है यही सही तुम्हारी जीवन तुम्हारी बीत गई। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, कारण अनेक जन्म कटे गए अन्य अन्य कार्य, दूसरे दूसरे कार्य में बहुत जीवन भर बीत गया है, यही जन्म ही जाते सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन लाभ। इसलिए ये जीवन को और तुम बर्बाद
मत करो, ये जीवन को बर्बाद मत करो, नहीं करके जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रयोजन है क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की भजन, भगवत प्राप्ति, उसके लिए ये जीवन को, उसी के लिए जीवन को लगाओ। तद विषय सर्वक्षण सतर्क थाकबे, सब समय क्या सतर्क रहनी चाहिए, किस जीवन में, इसी जीवन में जैसे हम भगवत प्राप्त हो सके, भगवान को प्राप्त कर सके, खूब सावधान होए, आदर ओ प्रीति सहित सर्वक्षण गुरु कृष्ण की सेवा कर ले, भगवत अनुभूति है वे। प्रश्न क्या था, जीवन में भगवत अनुभूति क्यों नहीं हो रही, तो प्रभुपाद कहते हैं बोले खूब सावधान होए, हैं हर समय एकदम सावधान हो करके आदर और प्रीति को साथ में हर समय गुरु वैष्णव की सेवा, ठाकुर को सेवा करने पर भगवत अनुभूति है वे। जब भगवत अनुभूति होएगा ना, फिर क्या होगा, जीवन के सारे सुख कष्ट दुख अपने आप खत्म, और भगवत अनुभूति तभी होगी जब हर समय हम भगवत चिंतन, उसकी कथा, उनकी भजन में लगे। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो, बच्चा कुल प्रवश्च कृपा सिंधु वैभवच पतिता नाम पा, कितना टाइम हो गया, साढ़े आठ तक कथा होती है ना। हाँ ठीक, गौर प्रेमानंदे।